नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका रिजोन एकेडमी में स्वागत करता हूँ। आज का जो वीडियो इस वीडियो में देखना है प्रॉब्लम ऑफ लिमिट फिट्स एंड टॉलरेंसेस। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है, वो देख लीजिए। अगर आपको थ्योरी पार्ट कवर करना है तो वो भी वीडियो मैंने थ्योरी के कवर उसके ऊपर अपलोड किए, वो देख लीजिए। फिर प्रॉब्लम की तरफ आइए तो आपको अच्छे से प्रॉब्लम समझ में आएंगे। और एक रिक्वेस्ट है कि मैं मेरे मोनेटाइजेशन का जो क्राइटेरिया है वो बहुत नज़दीक हूँ, तो मुझे प्लीज़ हेल्प कीजिए। थोड़ा सा और टाइम स्पेंड करके मेरे बाकी के जो वीडियोस हैं वो देख लीजिए, उसको कमेंट कर दीजिए, चलेगा। तो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है, कैलकुलेट शाफ्ट टॉलरेंस, होल टॉलरेंस एंड आइडेंटिफाई टाइप ऑफ फिट। उसके लिए आपको डाटा क्या दिया है, होल का साइज़ दिया है 30.05, नीचे कुछ भी नहीं है मतलब ज़ीरो रहेगा। शाफ्ट का दिया है 30 -0.02 और -0.05। तो अभी अपने को क्या करना है कि पहले शाफ्ट का और होल का टॉलरेंस निकालना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को अभी हायर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों भी निकालना पड़ेगा। पहले क्या कर लेते हैं, होल का हायर लिमिट निकालते हैं। कैसे निकालना है हायर लिमिट, HL इज इक्वल टू आंसर, हायर लिमिट ऑफ होल इज इक्वल टू 30, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब प्लस लेना है, 30 प्लस 0.05। तो यह क्या आएगा, आपका हायर लिमिट क्या आएगा, 30.05, और आपका लो लिमिट क्या होगा, लो लिमिट 30 होगा, लो लिमिट ऑफ होल इज इक्वल टू 30। अभी आपको टॉलरेंस निकालना है। टॉलरेंस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना पड़ता है। हायर लिमिट क्या आपका 30.05 माइनस लोअर लिमिट क्या आपका 30, तो आपका टॉलरेंस क्या आ जाएगा, 0.05 आ जाएगा। होल के ऊपर का टॉलरेंस 0.05, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ 0.05। सेम अभी आपको क्या करना है, शाफ्ट के लिए निकालना है। शाफ्ट का क्या साइज दिया है, अभी हाई लिमिट ऑफ, हाई लिमिट ऑन शाफ्ट इज इक्वल टू 30 माइनस 0.02, माइनस दिया है तो माइनस ही करना है आपको। तो ये क्या आ जाएगा, 29.98 आ जाएगा। सेम आपको क्या करना है, लो लिमिट निकालना है। लो लिमिट के लिए क्या करोगे आप, 30.00 माइनस 0.05, तो ये क्या आ जाएगा, 29.95 आ जाएगा। अभी क्या करना है, टॉलरेंस निकालने के लिए आपको हायर माइनस लोअर कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, 29.95, आपका टॉलरेंस आएगा 0.03। तो मैं क्या करता हूँ, इसके हिसाब से आपका शाफ्ट भी ड्रॉ कर लेता हूँ। आपका शाफ्ट का हायर लिमिट क्या है, 29.98 है, यहाँ पे 30 है देखो। तो मैं क्या करता हूँ, ये लाइन के नीचे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ओके। ये लाइन मेरी कितने की रहेगी, 29.98 की। फिर उसके बाद लो लिमिट क्या है मेरा, 29.95। अगर मेरी ये लाइन 29.98 की है तो 29.95 की लाइन इसके नीचे रहेगी। अभी देखो, होल का ये हाई लिमिट हो गया, ये लो लिमिट हो गया। शाफ्ट का ये हाई लिमिट हो गया, ये नीचे वाली लाइन लो लिमिट हो गई। तो अभी क्या करना है आपको, यू हैव टू आइडेंटिफाई टाइप ऑफ फिट, विच टाइप ऑफ फिट इज दिस। तो आपके लिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो एक काम करो, पहले हाई लिमिट ऑन होल, हाई लिमिट ऑन होल, हाई लिमिट ऑन होल क्या है, 30.05। कुछ भी कॉम्बिनेशन ले सकते हो आप, कॉम्बिनेशन मतलब क्या, देखो हाई लिमिट ऑन होल माइनस लो लिमिट ऑन होल ऐसे भी कर सकते हो, या लो लिमिट ऑन होल माइनस हाई लिमिट ऑन शाफ्ट, ऐसे कॉम्बिनेशन कुछ भी करके आप उसका फिट आइडेंटिफाई कर सकते हो। देखो मैंने अभी हाई लिमिट लिया है और इसका क्या करता हूँ, ये हाई लिमिट ले लेता हूँ 29.98। तो क्या होगा, 0.07 आया। अभी मैं क्या करता हूँ, इसका लो लिमिट लेता हूँ और इसका हाई लिमिट लेता हूँ, तो भी देखो क्या होता है, 30 माइनस 29.98 क्या आएगा, 0.02।
मतलब मैं कुछ भी करता हूँ, कुछ भी कॉम्बिनेशन लेता हूँ, तो क्या हो रहा है, मेरे साइंस क्या आ रहे हैं यहाँ पे, पॉजिटिव आ रहे हैं। मतलब ये कौन से टाइप का फिट है, अगर दोनों भी ये पॉजिटिव आते हैं, और आप डायग्राम से भी बता सकते हो, देखो ये 30 का लाइन है, ये 29.9 का लाइन है। मतलब अगर आप होल जितना कम लेते हो उतना कम भी मैन्युफैक्चर किया, और शाफ्ट जितना हायर लिमिट पे मैन्युफैक्चर होता है उतना भी मैन्युफैक्चर किया, तो दोनों में क्या हो रहा है, क्लियरेंस रह रहा है, वहाँ पे गैप है। तो आप इसको क्या कह सकते हो, क्लियरेंस फिट कह सकते हो। ओके, थैंक यू।